हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कृपया मेरे चैनल पे बने रहें सो दैट कि मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो पूरी कंटेंट पूरी कर सकूँ मैं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ पहुँचाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जो नॉलेज वो अधूरा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ पूरा सुनिए, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में। फ्रेंड्स, और इसके बारे में बात करने से पहले मैंने कुछ कंपैरिजन के लिए डेटाबेस ओपन कर रखा है। ये देखिए, इसके साइड टैब में निफ्टी 50 है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स फंड है फ्रेंड्स। तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसी के बेसिस में आपके साथ मैं एक फंड डिस्कस करूंगा जो कि निफ्टी 50 250 के बेसिस पे है, इंडेक्स फंड है फ्रेंड्स। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो कृपया इसके लिए पूरी जानकारी आप लीजिए फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, एंड एक और चीज़, मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है एंड नॉलेज के लिए। ये मेरी एडवाइस नहीं है कि आप इसमें निवेश करिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप निवेश करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है एंड उस रिस्क के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। इसीलिए किसी जो आपके नॉन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, आप उसके से आप जानकारी ले करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मैंने गैदर करी है या जो मुझे पता है, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता होगा तो आप फ्रेंड समझ सकते हैं चीज़ों को और अपनी एनालिसिस डाल करके अपने लिए एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो दैट कि मेरी वीडियोस और भी लोगों के पास पहुँचे। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। देखिए, ये जो निफ्टी 50 250 का इंडेक्स फंड है, कब स्मॉल कैप बना है, ये बना है जनवरी 2019 में। एंड जनवरी 2019 से अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करोगे तो देखिए, जब फंड प्रोड्यूस कि ये इंडेक्स फंड जब नहीं काम कर रहा था, 2019 में जब कोई नहीं काम कर रहा था, देन ये भी नहीं काम कर रहा था, बट इसकी जो लो सर्किट्स मार रहे हैं या फिर नीचे जो जा रहा है, ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है कंपेरिजन टू अगर आप दूसरे फंड को देखोगे। इधर आप देख सकते हो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 है, बट अगर आप यहाँ से बात कीजिए अप्रैल ऑनवर्ड्स, मार्च 20 में ये जब ये बॉटम हुआ, नीचे गया, एंड ये सेम यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स भी नीचे गया। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप रिटर्न की बात करोगे तो फिर इन्होंने कितने की रिटर्न मारी है, इन्होंने जो निफ्टी 50 ने करीब 125% की रिटर्न मारी है, उसके बाद फिर वो नीचे जाने लगा है। एंड स्मॉल कैप फंड फ्रेंड्स, इन्होंने कितनी की मारी है, तो आप इसकी देख सकते हो, ये डबल है, 220.53% है गाइस। तो डेफिनेटली इस फंड में आपको इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में अगर आप लगाओगे तो आप ज़्यादा की रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये नंबर्स कभी भी गलत झूठ नहीं बोलते हैं, ये डेटा वे झूठ नहीं बोलता है, जो है ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड है जिसका नाम है फ्रेंड्स, ये है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। गाइस, एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप इसमें सबसे एक मतलब मिनिमम आप 100 रुपये भी से भी इसमें निवेश कर सकते हो, ठीक है, 100 रुपीज़ से भी आप निवेश कर सकते हो। एंड ये कोई ऐसा फंड नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड डायरेक्ट फंड नहीं है, ये इंडेक्स फंड है, ये इंडेक्स फंड है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है इसको ट्रैक करेगा, स्मॉल कैप मतलब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कि आप जो निवेश कर रहे हो तो वो क्या है एंड उसमें जो रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। अगर आप इस फंड की बात करोगे फ्रेंड्स, तो ये जो है 2019, ये देखिए ये कब से है इसकी चार्ट, वन सेकंड प्लीज, ये फरवरी 2022 से है, ये आप देखिए ये नीचे मारा है। क्यों मारा है, क्योंकि जब सब फंड या सब कंपनियां परफॉर्म नहीं करती हैं तो इंडेक्स फंड भी नहीं परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप ये देखिएगा कि ये जब ये बॉटम हुआ, जून में बॉटम हुआ, तो उसके बाद इसने रफ्तार पकड़ा है। तो क्या यहाँ पे भी जून में ही हुआ था, देखिए जून में आप देखिए, वन सेकंड,
ये जून का ये रहा टाइम फ्रेम गाइस, अगर डेट नहीं दिख रही होंगी तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जून में ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू करा, इस फंड ने भी ऊपर जाना शुरू करा, तो मतलब ये अपने इंडेक्स फंड को अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहा है। ये तो एक चीज बात हो गई। अब नीचे आते हैं, ये जो है इसमें अभी बहुत ही छोटा फंड है, 69.05 CR है फ्रेंड्स। ऑब्वियसली ये स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है इसीलिए, और ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है इसीलिए इसका जो AUM है इसका कम है, ठीक है। एंड अगर रिटर्न की बात करोगे तो इस रिटर्न ने अभी तक 9, ये निगेटिव रिटर्न दिया। निगेटिव रिटर्न क्यों दिया है? क्योंकि अभी मार्केट ही परफॉर्म नहीं कर रहा गाइस। बट मार्केट आप महंगे में लेना चाहते हो या सस्ते में लेना चाहते हो या सही टाइम पे लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्मॉल स्मॉल आप अमाउंट अगर निवेश करोगे जब भी मार्केट डाउन है, तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप देखोगे तो आपको अच्छे पैसे बनते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली ये फ्रेंड्स बहुत लंबे टाइम के लिए आप इसको प्लान करें अगर सोच रहे हैं, अगर आप सोचेंगे तो, क्योंकि ये लंबे टाइम में ही आपको पैसा बना करके देगा, कम टाइम में ये पैसा बना करके नहीं देगा, ठीक है। तो कृपया इसको लंबे टाइम के लिए ही सोचिए, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप इस तरीके से सोच सकते हैं इस फंड के साथ जाने के लिए। देखिए अब चलिए इसकी बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। इसमें एग्जिट लोड कितना है? 1% है। एक्सपेंस रेशियो 0.3% है। और नीचे आते हैं, देखिए इस फंड के बारे में खुद ही बता रखा है, इसका रिस्को मीटर है, ये बोल रहा है बहुत हाई है, वेरी हाई है। अब ये कहाँ कहाँ पैसे लगेंगे आपके? अगर मान लीजिए आप इसमें निवेश करते हैं 100 रुपये, तो 16 रुपये 98 पैसे आपके जाएंगे इंडस्ट्रियल में, फाइनेंशियल में जाएंगे 15 रुपये, एंड इसी तरीके से मटेरियल में जाएंगे 12 रुपये समथिंग, एंड कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में इतने इतने इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप छोटा छोटा अमाउंट आप इसमें निवेश कर सकते हैं, सो दैट कि ओवर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा आपका एक बैकअप बना रहे वेल्थ का। एंड कृपया इसमें लंबे टाइम पे ही जाइए। अब लंबे टाइम में जाने के लिए क्यों, किस लिए? क्योंकि लंबे टाइम में फ्रेंड्स ये आपके, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी को इन्होंने चार्ट नहीं देखा या नहीं देखना आता, तो उन्होंने यहाँ पे जाकर के निवेश किया। मैं एक चीज़ और थोड़ा सा, एक दो पॉइंट और आपको बताऊंगा कि कब आपको थोड़ा बेटर आप निवेश करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे निवेश किया, अगर वो कुछ ही दिनों में चाहे रिटर्न, कोई पर्सन चाहते हैं कि मेरे को रिटर्न तुरंत मिल जाए, तो उनको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ये लंबे टाइम में ही आगे बढ़ेगा। अभी देखिए ये नीचे दिख रहा है, बट ओवर लॉन्ग टर्म में ये ऊपर देखेगा ही। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं इस फंड के बारे में, 1 सेकेंड। और ये कंपनी वाइज भी फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि यहाँ ये इसके जो पैसे हैं कहाँ जा रहे हैं, सिटी यूनियन बैंक में जा रहा है, KPIT टेक्नोलॉजी में जा रहा है, अपोलो टायर्स में जा रहा है, ये सारी अच्छी कंपनियाँ हैं। आप खुद से भी इंडिविजुअल इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, एंड ये सारी रिसर्च करने के बाद ही ये लोग लगाते हैं। अब देखिए इंडेक्स फंड ट्रैक कर रहा है, अच्छी चीज़ है। एंड ये फ्रेंड्स ये आप खुद से, आप इनडायरेक्टली कंपनियों में निवेश करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत महंगे में शेयर्स खरीद लें, इसीलिए बेटर होता है कि आप म्यूचुअल फंड के साथ जाइए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी तरीके के म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बात कर रखा है अपने चैनल पे, तो आप उसमें और भी जो कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आप खुद से निवेश कीजिएगा तो उसमें रिस्क है जो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू आप अगर इंडेक्स फंड के साथ जाते हैं तो। इसके बारे में एक चीज़ और मैं बता रहा था, 1 सेकेंड, मैं ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि देखिए अभी आप ये देख सकते हैं, ये 100 EM मैंने वीकली पे लगाया हुआ है मूविंग एवरेज का, तो ये जो मेरा है ये 101 का ये मूविंग एवरेज मेरा ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीकली में गाइस क्या बता रहा है कि अभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब ये नीचे जाए तो फ्रेंड छोटा छोटा अमाउंट आप इसमें डाल सकते हो, या फिर थोड़ा, अब यहाँ से मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो आपको है थोड़ा जल्दी आपको बेटर दिखता रहेगा, ठीक है। अब ये जैसे ही जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ओवर लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा बनेगा। अब दो चीज़ें आप कर सकते हो, अगर निवेश करने के लिए कोई चाहे तो फ्रेंड्स ये यहाँ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेगा तो उसको क्या है कि उसको वेट करना होगा, कि उसको थोड़ा ज़्यादा वेट करना होगा। और कोई पर्सन मान लीजिए कि यहाँ पे वेट कर, यहाँ पे निवेश करता, मान लीजिए
ठीक है, यहाँ पे जा करके यहाँ पे तो उसको जल्दी ये रिटर्न मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये लंबे टाइम में फ़ायदा देता है। और सबसे अच्छी चीज़ आप इसमें ये कर सकते हो कि मान लीजिए कि किसी मंथ में हैवी करेक्शन आप देख रहे हो, निफ्टी में इंडेक्स में करेक्शन हुई है, तो फ्रेंड्स आप उस मंथ में जा करके निवेश करोगे तो आपको बेटर प्राइस मिलेगा। तो मोस्टली पीपल्स जिनको थोड़ा पता होता है वो सस्ते में या फिर जब डिस्काउंट चल रहा होता है तभी लेना पसंद करते हैं। महंगा में लीजिएगा तो आपको क्या है, ओवर द लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे। आप सस्ते में लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, और यस इसमें पैनिक मत होइएगा, लंबे टाइम के लिए इसमें टाइम दीजिए। एंड अगर वन डे में देखिएगा तो ये अपने 100 मूविंग एवरेज को ये नीचे तोड़ चुका है। तो गाइस इसीलिए आप ये देख सकते हो फंड में भी करेक्शंस आपको सेम चीज की वजह से दिखेंगी है। तो आपको टेक्निकली इतनी भी नहीं जाना है, तो आप बस ये देख सकते हो कि आपको जिस मंथ में नीचे करेक्शन ज़्यादा दिख रहा है तो फ्रेंड्स उसमें थोड़ा थोड़ा आप ऐसा जो भी है 1000 2000 आप जितना अफोर्ड कर सकते हो। एंड वही जो फ्रेंड्स आप जिस पैसे की अभी आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कृपया उन्हीं पैसे को इसमें लगाइएगा, क्योंकि आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, इसमें टाइम देना होगा, तभी वो फंड आगे बड़े होंगे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ तक मेरी चैनल वीडियो को देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि मैं इसी तरीके के कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू मेरे चैनल पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।